नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल विकास सावंत्स एकेडमी में। सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक्स कीजिए, मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज का वीडियो है SBI PO 2020 हाउ टू क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ये एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में कैसे क्रैक किया जाए। आप एक चीज को समझ लीजिए, आप किसी भी बैंकिंग या एसएससी या रेलवे एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर वो एग्जाम को आपको पहले अटेम्प्ट में क्रैक करना है तो आपको तीन चीज़ें पता होनी जरूरी है, जिसमें से एक चीज़ ये है, फर्स्ट एग्जाम पैटर्न, सेकंड एग्जाम सिलेबस एंड थर्ड लास्ट ईयर का कट ऑफ। ये तीन चीज़ें अगर आपको पता है तो आपको प्लानिंग करने के लिए बहुत आसान और बहुत ईजी जाती है। SBI PO का नोटिफिकेशन पिछले साल अप्रैल मंथ में आया था और उसका एग्जाम जून में था और प्री एग्जाम्स एंड मेंस एग्जाम जुलाई में था। बट ये साल आप सभी जानते हो कोरोना वायरस की वजह से मे बी ये डिले हो सकता है, बट कंफर्म ये आएगा ही आएगा। हमें कब आएगा, कौन से मंथ में आएगा, ये सोचने से बेहतर है कि हम लोग इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर देवे। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे हम इस एग्जाम को क्रैक करेंगे, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कितने वैकेंसी पिछले साल आए हुए थे। इन 2016 में 2200 थे, 17 में 2313, 18 में 2000 थे, पिछले साल 2000 थे। तो ऑब्वियसली ये साल भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे कि 2000 के रेंज में ही वैकेंसीज आएंगे। नंबर ऑफ चांसेस इसमें ऐसे होते हैं कि अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो SBI PO का एग्जाम्स आप जनरल कैटेगरी में हो तो आप खाली 4 बार ही दे सकते हो। अगर ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आप 7 बार दे सकते हो, मतलब 7 अटेम्प्ट आपके लिए है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो अटेम्प्ट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना चाहे उतना आप दे सकते हो जब तक वह एज लिमिट खत्म नहीं हुए। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ परमिसिबल चांसेस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई एंड अपियरिंग इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड एज अ चांस। अगर आप प्री एग्जाम में अपेयर होते हो और आप उसमें फेल हो जाते हो तो वो चांस काउंट नहीं किया जाएगा, ये आप ध्यान में रख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर का प्रोसेस कैसे होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर में the selection for probationary officers will be done through a 3-tiered process. The one phase 1 jisme preliminary exam hoga, phase 2 main exam hoga and phase 3 group exercise jo 20 marks clear hoga and interview 30 marks ke liye conduct hoga. ab jo phase 1 hai, phase 1 mein kya kya conduct hota hai, kaisa exam pattern rahega wo hum log abhi dekhenge. phase 1 preliminary examination, jahan par preliminary examination consisting of ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, ये ध्यान में रख लीजिए एकदम ऑनलाइन ही होगा एंड देर विल बी ए 3 सेक्शंस एंड हर एक सेशन के लिए सेपरेट टाइम है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बाकी के बैंक्स में हर एक सेशन के लिए सेपरेट कट ऑफ निकालना होता है, SBI में आपको सेक्शनल वाइज कट ऑफ नहीं रहता है, ये आपको चीज में ध्यान में रखना है। अगर इंग्लिश आपका अच्छा नहीं है आप फिर भी उसमें 7 से 8 मार्क्स स्कोर कर रहे हो और बचे हुए 2 सब्जेक्ट में आप लोगों ने कट ऑफ काफी अच्छा स्कोर कर लिया और आपका तीनों का मार्क्स मिला के कट ऑफ के ऊपर अगर जाता है तो आप मेंस के लिए इजीली क्वालिफाई हो जाते हो, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं होता है। ये आपका हो गया इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है, कॉन्ट में 35 है, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है और हर एक सेक्शन के लिए आपके पास यहाँ पर 20 मिनट्स एंड 20 मिनट्स दिए हुए है और टोटल ड्यूरेशन होता है 60 मिनट्स, ये आप ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा, टॉपिक्स आ रहेंगे, हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब फेज टू अगर आप देखते हो तो फेज टू में A and B 2 पार्ट रहेंगे। मेन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 200 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर 50 मार्क्स। बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी ऑनलाइन, ये भी दोनों एग्जाम्स ऑनलाइन रहेंगे इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव एज वेल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, सेकंड सेक्शन रहेगा डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, थर्ड रहेगा करंट अफेयर्स एंड बैंकिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहता है एंड फोर्थ रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज।
नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग के हैं फर्स्ट सेक्शन के 45, सेकंड सेक्शन के 35, थर्ड सेक्शन के 40 एंड फोर्थ सेक्शन के 35। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 155। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन के लिए है 60, सेकंड सेक्शन के लिए 60, थर्ड सेक्शन के लिए 40 एंड फोर्थ सेक्शन के लिए 40। टोटल कम्स टू 200 मार्क्स। अगेन यहाँ पर प्री जैसा ही है, टोटल 3 आवर्स है बट डिवाइड्स इनटू 4 सेक्शन, सेपरेटली दिया हुआ है। फर्स्ट सेक्शन के लिए आपके पास 60 मिनट, टोटल 1 आवर मिलता है। सेकंड सेक्शन के लिए आपके पास 45 मिनट्स है, थर्ड सेक्शन के लिए आपके पास 35 मिनट दिया गया है एंड फोर्थ सेक्शन के लिए आपके पास 40 मिनट दिया हुआ है, जिसमें से डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के जो लेवल है क्वेश्चन की काफ़ी हाई होती है। अगर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 35 क्वेश्चन होते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप कह सकते हो ग्राफ्स पे बेस्ड होते हैं, जिसमें पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, मिक्स ग्राफ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, देन ओनली यू कैन एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन दैट सेक्शन। ये आपको ध्यान में रखना है। थर्ड सेक्शन इसमें जो है ये बी वाला सेक्शन है फेज टू का, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर 50 मार्क्स। इसमें आपको दो चीजें करनी, एक आपको लिखना है एसे और दूसरा आपको लिखना है लेटर राइटिंग। अब इसके लिए आपको हाफ एन आवर सेपरेट दिया जाएगा और उसके लिए आपको 50 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। 50 मार्क्स में से मिनिमम कट ऑफ रहेगा, मिनिमम आपको 20 मार्क्स या 20 मार्क्स से ऊपर आपको स्कोर करना है तो ही आप मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रीलिमिनरी में अगर आप क्रैक करके मेंस के लिए क्वालिफाई होते हो तो प्री के मार्क्स फाइनल लिस्ट में काउंट नहीं होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रीलिमिनरी खाली इसीलिए होता है कि अगर आप मेंस में क्वालिफाई करने के लिए आपको प्री निकालना है बस, एंड फाइनल मेरिट में मेंस के मार्क्स दोनों पेपर के ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव के दोनों फाइनल मेरिट के लिए काउंट किए जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग नेचर नहीं है, ये मार्क्स काउंट होने वाले हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। जैसे अभी कॉन्ट में अगर आप आते हो तो कॉन्ट में सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये टॉपिक्स है, ये आपके बेसिकली प्री के लिए पूछे जाते हैं। एंड डेटा इंटरप्रिटेशन भी प्री में होता है, लेकिन अगर मेंस के लिए जाते हो तो मेंस में डेटा इंटरप्रिटेशन का, जैसे मैंने कहा था कि उसका लेवल काफ़ी हाई रहेगा, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा क्लियर होना चाहिए। और डेटा इंटरप्रिटेशन पे मैक्सिमम क्वेश्चंस इस पार्ट से आते हैं, अरिथमेटिक, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी। तो अगर आपको डीआई में काफ़ी अच्छा स्कोर करना है तो आपको पहले इन चैप्टरों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तभी आप डीआई में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे मेंस के पेपर में। देन डेटा सफिशिएंसी है, एंड देन एक नया टॉपिक अभी बहुत बार पूछा जाता है, क्वांटिटी वन एंड क्वांटिटी टू। क्वांटिटी टू ये 3 या 4 मार्क्स के लिए हर एग्जाम में एसबीआई पीओ के पूछा गया है। सो ये दीज आर द टॉपिक्स आप क्वांट के लिए कवर कर सकते हो, इंक्लूडिंग प्री एंड मेंस। देन रीजनिंग का अगर आप देखते हो तो रीजनिंग में सिलॉलिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट डायरेक्शन, डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक, लॉजिकल रीजनिंग, ये प्री प्लस मेंस के टॉपिक दिए, जिसमें से मेंस के लिए सिलॉलिज्म बहुत आईएमपी है। देन पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट का लेवल मेंस में बहुत हाई होता है, आपको डेली पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट के डेली 10 से 15 क्वेश्चंस डेली आपको सॉल्व करना है अलग अलग टाइप के, तभी आपका कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होगा और तभी आप एग्जाम में उसको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। आपको डेली प्लान करना है टॉपिक वाइज और आपको डेली 8 to 9 आवर्स बैठना ही पड़ेगा, तभी आप एसबीआई पीओ प्री का एग्जाम जो जून में होने वाला है आप उसको टारगेट रख के आप वो एग्जाम क्रैक कर पाओगे, अगर आप डेली 8 to 9 आवर्स एफर्ट पुट करते हो तो। देन इनपुट आउटपुट आपको पूछा जा सकता है, डेटा सफिशिएंसी एक पार्ट है जो रीजनिंग में आता है, कोडिंग डिकोडिंग का फिलहाल एक नया वाला पैटर्न आ रहा है जिसको हम लोग न्यू पैटर्न कहते हैं, वो क्वेश्चंस पे पुराने टॉपिक पे सिलेबस पे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। देन इंग्लिश, इंग्लिश में आरसी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर्स एंड देन एरर स्पॉटिंग, दीज आर द ओनली 4 टॉपिक्स है जिस पे आपको फोकस करना है। इंग्लिश में स्कोर करने के लिए आपका वोकेबुलरी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आपको डेली पेपर्स पढ़ने जरूरी हैं, अपने आप को डेवलप करना जरूरी है, एडिटर कॉलम आप पढ़ लीजिए जिसमें से आप कुछ वोकैब निकालिए, कुछ वर्ड्स निकालिए जिसका आपको मीनिंग नहीं समझ तो उसको फाइंड कीजिए, एंड स्पॉटिंग, एरर स्पॉटिंग जो है जिसके लिए आपके ग्रामर्स के रूल काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ग्रामर्स के रूल्स खाली
पता होने से कुछ काम नहीं होगा, तो आपको वहां पर कहां पर अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, उन चीज़ों को भी आपको जानना जरूरी है, देन ओनली आपका इंग्लिश में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये हो गया एग्ज़ाम का सिलेबस, ये हो गए टॉपिक्स जो मैंने आपको इंग्लिश काउंटर रीजनिंग में बताए। अब हम देखेंगे कि इसका पिछले साल का कट ऑफ क्या था। SBI PO प्री का पिछले साल कट ऑफ था जनरल कैटेगरी के लिए 71, OBC के लिए 68.25, SC के लिए 61.75, ST के लिए 54.75। ये हो गया SBI PO प्री का कट ऑफ। तो ऑब्वियसली पिछले साल 71 था, तो उसी के रेंज में हम लोग ये साल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या दो तीन मार्क ज़्यादा होगा पर कम नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है आपको। मेंस में देखो SBI PO मेंस का कट ऑफ 2019 आउट ऑफ 250, 250 ये कैसे है, 200 ऑब्जेक्टिव 50 डिस्क्रिप्टिव मिला के है। जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया 200 मेंस के डिस्क्रिप्ट ऑब्जेक्टिव के मार्क्स एंड 50 डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स है, दोनों का मिला के 250 में से ये मार्क्स आए हुए हैं। मतलब नॉट इवन 50% आप कह सकते हो कि इतना पेपर का डिफिकल्टी लेवल इतना हाई हो जाता है कि कट ऑफ इतना लो लग जाता है, जिसमें जनरल कैटेगरी 104.42, SC 82.50, ST 77.63 एंड OBC 94.28। ये पिछले साल का SBI PO मेंस का कट ऑफ है। एंड अब देन ग्रुप एक्सरसाइज अगर आप देखते हो, जिसमें 20 मार्क्स एंड इंटरव्यू के लिए 30 मार्क्स है। जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर कट ऑफ वही 20 था, मिनिमम 20 मार्क्स मिला के कंपलसरी है। SC में 17.50, ST में 17.50 एंड OBC में 17.50। अब इसमें मेंस के 250 मार्क्स और ये ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू के मिला के 50 टोटल मिला के 300 मार्क्स में आपका फाइनल कट ऑफ लगता है, जो लिस्ट लगती है। वो लिस्ट कैसे आती है आप देख लीजिए, फाइनल सिलेक्शन होता कैसे है। यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन किया, द मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी एडेड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन। Only the marks obtained in main examination phase 2, both in the objective and descriptive test, will be added to the marks obtained in G, that is group exercise and interview, for preparing the final merit list. The candidates will have to qualify both in phase 2 and phase 3 separately. Marks secured by the candidates in the main examination out of 250 are converted out of 75 marks, and group exercise and interview scores of candidates out of 50 marks are converted to out of 25 marks. ये आपको ध्यान में रखना है। The final merit list is arrived at after aggregating out of 100 converted marks of main examination and group exercise and interview. Selection will be made from the top merit rank candidates in each category. Results of the candidates who qualify for main examination and group exercise and interview as well as the final select list will be made available on the back website. ये आपको चीज ध्यान में रखना है। अब आप देख लीजिए लास्ट ईयर जो कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का 100 में से लगा था कन्वर्जन करके, दैट वॉज 54.11, OBC के लिए 48.78 था, ST के लिए 43.90 था एंड SC के लिए 45.74 था। यस एंड देन फाइनली यहाँ पर आपको, अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं आपको कहूँगा कि YouTube से बहुत सारे क्लासेस, लाइव क्लासेस चलते हैं, आप बहुत सारे फ्री में मिलते हैं। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर करना है तो आप YouTube पे डाल दीजिए क्वेश्चंस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, तो YouTube पे कोई आके आपको वीडियो, कोई क्लासेस का वीडियो आएगा, वो आपको पढ़ाएगा सिखाएगा बेसिक से, आप उसको देख लीजिए। अगर आपको, आप बिगिनर्स नहीं हो, आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा हुआ है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, विकास सॉन्ट्स अकेडमी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, एंड गेट एक्सेस टू अ लॉट ऑफ फ्री कंटेंट मैंने वहाँ पर अपलोड कर लिया है, जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। एंड एट द एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, एंड फॉर मोर डिटेल कॉल अस ऑन 865-222-1988। और नीचे मैंने कुछ कोर्सेस भी ऐड किए हुए हैं मेरे ऐप में, जैसे 800 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स एंड 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर रीजनिंग एबिलिटी। इसके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वो लिंक्स पे क्लिक करके आप उसे परचेस कर सकते हो। यही आज का वीडियो था, जिसमें मैंने आपको एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ, सिलेबस, टॉपिक्स, मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है। अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आप अपने विकास सॉन्ट्स अकेडमी के आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, आपको मैक्सिमम चीज़ें वहाँ से फ्री में मिल जाएगी। एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आने वाले आगे इंफॉर्मेशन्स, नोटिफिकेशन्स के इंफॉर्मेशन में आपको अपडेट करता रहूँ। जय हिंद।